गुरु की महिमा बढ़नी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का। जरूरी नहीं है कि यहाँ खड़े होकर के या बैठ करके माइक के ऊपर आकर के गुरु के गुणगान किया जाए। जिसके हृदय में गुरु रहते हैं वह प्रति समय प्रति पल गुरु का गुणगान कर रहा है, और जिसके हृदय में गुरु नहीं है वह गुरु के निकट होकर के भी गुरु से दूर है। इसलिए प्रति पल प्रति समय गुरु को याद जो करता है उसका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है और उसके जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। सब जानते हैं गुरु की महिमा के लिए, कैसे वह निरीह और निर्भीक थे। उनकी निरीहता के बारे में एक संस्मरण पढ़ने में आया था, वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जब आचार्य भगवंत बुंदेलखंड में आए और कटनी नगर पहुंचे, कटनी नगर में आचार्य भगवंत का स्वास्थ्य खराब हो गया, बुखार आया, मलेरिया आया और बहुत लंबे समय में वह ठीक हो पाया। लेकिन लंबे समय तक जब मलेरिया आ जाता है तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, लेकिन आचार्य भगवंत ने तो विचार बना लिया था कि चातुर्मास शहर में नहीं करना है, चातुर्मास निकट है, क्योंकि शहर में तो अनेक प्रकार के शोरगुल हुआ करते हैं, अनेक प्रकार के प्रदूषण हुआ करते हैं, और विचार बना लिया कि निकट में कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र पर जाकर के चतुर्मास कर। बिहार की तैयारियां पहले से चलती नहीं गुरु जी की, लेकिन जब बिहार का मूड बनाया तो छुल्लक समय सागर जी महाराज के लिए बुखार आ गया। और जब बुखार आ गया तो फिर विचार किया कि अब समय नहीं है और विहार करना है, तो छुल्लक युग सागर जी और नियम सागर जी को साथ में लेकर के, और छुल्लक समय सागर जी को वहीं छोड़ करके विहार कर दिया और कुंडलपुर पहुंच गए। पहुंचने के बाद पंडित जी ने कहा कि महाराज आप यहाँ चातुर्मास नहीं करिए, वापस कटनी चलिए, क्योंकि कल रात में एक बहन के लिए यहाँ पर एक बिच्छू ने काट खाया और सांप भी दिखा था। तो पंडित जी से आचार्य जी कहते हैं कि पंडित जी तुम ठीक कहते हो, अभी अभी मुझे दो सर्प खेलते हुए दिखे थे, लेकिन यहां मुझे चातुर्मास करने में क्या बाधा है।
ये तो श्रावक लोग होते हैं जो मोही होते हैं, वो ऐसे स्थानों पर नहीं रुक पाते। हम तो निर्मोही संत हैं और हमारे लिए ऐसे ही स्थान तो चाहिए। इसलिए मैंने तो पूरा मन बना लिया है कि चातुर्मास हम यही करेंगे। हुआ यू कि वहां से खबर आई। क्या खबर आई? वहां पर जो छुल्लक जी को छोड़ करके आए थे, छुल्लक जी का स्वास्थ्य एकाएक बिगड़ गया और बिगड़ करके उनका जो बीपी था वह लो हो गया। कितना लो हो गया? 85 से घटता घटता और वह 35 तक आ गया। आप लोगों का कभी आया है? कभी सुना नहीं, लेकिन हो गया। सभी चिंतित हो गए, अब क्या होगा। लेकिन फिर भी छुल्लक जी जागृत थे। पंडित जी ने परीक्षा के लिए पूछा कि स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी स्थिति में छुल्लक जी आप क्या करोगे? तो छुल्लक जी कहते हैं, क्या करेंगे, क्या जानते नहीं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समाधि मरण किया जाता है, हम समाधि मरण करेंगे। देखो छुल्लक समय सागर जी की बात बता रहे हैं। उन्होंने कहा हम समाधि मरण करेंगे। क्या तुम आप तैयार हैं? हाँ मेरी पूरी तैयारी है, मुझे कोई विकल्प नहीं, मैं निर्विकल्प हूं। ना मेरा किसी से राग है, ना किसी से द्वेष भाव है। तब पंडित जी भी कहते हैं, वास्तव में जब छुल्लक महाराज ऐसे हैं तो आचार्य महाराज के बारे में वो तो और उनके पहुंचे हुए। छुल्लक जी ने वहां पर पंडित जी के बेटे प्रमोद जी थे, और प्रमोद जी से कहा कि प्रमोद जी मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है और मेरी स्थिति बहुत डाउन लग रही है, कहीं मैं मूर्छित हो जाऊं तो याद रखना मुझे अस्पताल में मत भेजना। मैं मूर्छित हो जाऊं तो मुझे नमोकार मंत्र सुनाना और कहीं मुझे भेजना नहीं। चूंकि उस समय एक वर्धा से शासकीय चिकित्सालय से एक डॉक्टर साहब आए थे और उनको बुलवाया गया, और उन्होंने उन छुल्लक जी को देखा और देख करके कहा कि ऐसी स्थिति में लोग चेतना से युक्त नहीं होते, मूर्छित रहते हैं, इनकी अंदर की साधना ही ये इनको बुला रही है, बोल रहे हैं। अब स्थिति इनकी ऐसी है, अगर ये अगर आगे ऊपर नहीं चढ़ा पा रहा तो इनकी समाधि हो सकती है। अब ऐसी स्थिति बन गई, तब पंडित जी ने विचार किया और आचार्य भगवंत के लिए एक पत्र लिखा कि छुल्लक जी की स्थिति बहुत गंभीर है और डॉक्टर भी अब कुछ दुरुपाय हो गए हैं, अब कुछ नहीं कर पा रहे। समाधि की स्थिति बन सकती है और ऐसी स्थिति में अगर किसी की समाधि होती है तो उनकी समाधि करवाने के लिए साधु किसी भी अवस्था में कैसे भी समय आ सकते हैं, इसलिए आचार्य भगवंत आप बिहार करके कटनी आ जाए। ऐसा पत्र लिखा और अपने बेटे को दे दिया। बेटा गाड़ी से पहुंचा और अच्छे से के पास पहुंच करके
वह स्थिति तो बहुत गंभीर थी और पहुंच गया, और अज्ञान बस कुछ ज़्यादा ही वह भूल गया। कहा कि आचार्य श्री जी आप जल्दी से चलिए, छुल्लक जी की स्थिति बहुत खराब है, और ये पत्र है पिताजी ने दिया है। पत्र आचार्य श्री ने पढ़ा, पत्र पढ़ करके वह कुछ विचार करने लगे। इधर ही कहता है आचार्य श्री जल्दी चलिए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप डोली से चलिए, और अगर डोली से नहीं चल रहे हो तो मैं गाड़ी लेकर के आया हूं, आप गाड़ी में बैठिए अभी चलिए, बाद में आप प्रायश्चित ले लेना। आचार्य श्री ने जवाब दिया और कहा कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो और आपके पिताजी ने इनडायरेक्ट लिखा है, अपनी पंडिताई भाषा में लिखा है। हमने पंडित जी को भी पढ़ लिया है, आपका भी सुन लिया है, पंडित जी से कहना पंडित जी मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम विद्वान हो अनुभवी हो, और अगर समाधि की स्थिति बनती है तो उनकी समाधि करा देना। देखो कैसी निरीह वित्ती। तब पंडित जी का लड़का कहता है कि आचार्य श्री आप बहुत कठोर हो, आपके संगस्त छुल्लक जी हैं और आपके गृहस्थ पूर्व जीवन के भाई हैं और आप ऐसी बातें कर रहे। हाँ हाँ मैंने कह दिया, पंडित जी समझदार हैं, जैसी स्थिति बने करवा देना, हमारा आशीर्वाद है। उनको भी आशीर्वाद है, पंडित जी को भी आशीर्वाद है। तब ऐसा कहा तो साथ में दो चार लोग और थे, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। ये क्या है, यही मोक्ष मार्ग है। और आचार्य श्री का आशीर्वाद यहां से गया, बड़े बाबा की कृपा यहां से गई, और वहां कुछ इलाज प्रारंभ हो गया, और उनके दोनों पांवों में, हाथों के नाखूनों में, पैर के नाखूनों में मकरध ध्वज लगाया गया, और जो अरहर की दाल होती है उसका जो आटा, वह सिका हुआ आटा उनके पूरे शरीर के ऊपर लेप किया गया, लगाया गया, और गुरुदेव का आशीर्वाद और बड़े बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उनका बीपी बढ़ करके सामान्य हो गया, और खतरे की सब निशानियां खत्म हो गई। तब से आज तक वह ऐसे महामुनिराज के रूप में, जब उनकी दीक्षा हुई छुल्लक जी की, तो पता है कैसे दीक्षा हुई थी, छुल्लक जी को ही पता नहीं, किसी संघ को पता नहीं, वो चतुर्थकालीन दीक्षा हुई थी, देने वालों की और लेने वालों की। रात्रि का समय था और आचार्य भगवंत ने इशारे से एक छुल्लक जी को बुलाया और कहा कि वो चौथे नंबर के छुल्लक जी हैं, उनसे कह दो केस लॉन्च करना है। उन्होंने जब इशारे से किया कि आचार्य महाराज ऐसी ऐसी बात है, केस लॉन्च की कह रहे हैं, तो वो भी विचार करने लगे क्या मैं केस लॉन्च नहीं करता, मुझे तो करना ही है, एक दो दिन बाद कर लूंगा। लेकिन अब आचार्य भगवत ने कहा है तो ठीक है, उन्होंने उठ करके रात्रि में केस लॉन्च किए। केस लॉन्च करने के बाद
सुबह सुबह सब जंगल के लिए चले गए। आचार्य भगवंत ऊपर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा, हाँ जल्दी से फ्री होकर के आ जाओ, किसी को अभी कुछ पता नहीं, आचार्य से बैठे हैं बेटा, अब क्या होने वाला है। तो किसी से कहा कि देखो कोई श्रावक के पास अष्ट द्रव्य है क्या, तो पता लगा कि मणिबाई वहां पर है, द्रव्य लेकर के आ रहे। आचार्य से कह रहे हैं अष्ट द्रव्य लेकर के, हाँ यही रख दो भाई द्रव्य, ये द्रव्य क्यों रखवा रहे हैं, मुझे तो पूजा करने जाना है। और जैसे ही वहां पर द्रव्य रखवा ली गई और व्यवस्था हुई, जैसे ही बैठे और कहा छुल्लक समय सागर जी महाराज से कि आज मैंने आपको मुनि दीक्षा देने के भाव बनाए। सबने भक्तियां पढ़ना प्रारंभ कर दिया और भक्ति हुई और उनकी मुनि दीक्षा वहीं पर हो गई। देखो ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु ना भूतो। इधर तो अभी बता रहे थे कि एक घंटे का समय था, उधर तो कोई समय ही नहीं, कोई समय नहीं, लेकिन मुनि समय सागर जी को जन्म दे दिया। ये मनुष्य पर्याय ऐसा कहा गया है, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है। तो जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जो द्विजन्मा होते हैं यानी जो अपने जीवन में व्रत लेकर के जिनका जन्म होता है वो जन्म सार्थक होता है। व्रत लेकर के इस मनुष्य जीवन को धन्य बनाना, इस मनुष्य जीवन में अपने पापों के कर्मों की निजरा करना, ये बहुत दुर्लभ है। और ऐसी दीक्षा हो गई और दीक्षा होकर के प्रथम शिष्य के रूप में वह प्रसिद्ध हो गए। जब भी देखते थे आचार्य भगवंत को और मुनि श्री समय सागर जी को तो कभी कभी भूल जाते थे कि आचार्य श्री जी आ रहे हैं कि समय सागर जी महाराज। हमेशा वह निरी वृत्ति के साथ अपनी गर्दन को नीचे करते हुए और अपने में लीन रहने वाले श्रमण, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा पर वो धर्म की